हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत सुनता चैनल में। आज हम अपने वीडियो में आपको बताने वाले हैं करेले की सब्जी हम कैसे बनाते हैं, वो भी अपने तरीके से, एकदम सिंपल तरीके, जो बिल्कुल कड़वी नहीं बनती है। तो चलिए देखते हैं करेले की सब्जी हम कैसे बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे फ्रेश करेला ले लिया है, उसको हमने अच्छी तरह से धो के और मीडियम साइज में चॉप कर लिए हैं। तो हमने मीडियम साइज में चॉप किया है और एक बड़ी साइज का हमने बाउल ले लिया। बाउल में हमने पानी डाल दिया है। अब पानी में हमने लगभग 2 चम्मच के लगभग हमने नमक डाल दिया। नमक डाल के हमने मिक्स करके हमने करेले को डाल दिया है और उसे हमें 15 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया कि करेले का थोड़ा सा कड़वा पर निकल जाए। तो 15 मिनट के लिए हमने करेले को इसी तरह पानी में छोड़ देते हैं। अब दूसरी तरफ हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। अब कढ़ाई में हम सरसों का तेल डाल देते हैं। कढ़ाई में हमने सरसों का तेल डाल दिया और करेले को हम छान लेते हैं, पानी से सारा करेला निकाल लेते हैं, क्योंकि पानी, नमक वाले पानी में हमने करेले को भिगो के रखा था। तो हम सारे करेले निकाल लेंगे और कपड़े से पोंछ लेंगे कि सारा एक्स्ट्रा पानी उसका निकल जाए, सूख जाए। तो हमने करेले को निकाल, इस तरह एक बड़ी छन्नी में हमने छान लिया, करेले का सारा पानी निकल गया। तेल भी हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं, चाहे मेथी दाना भी डाल सकते, जो आपको पसंद हो। तो हमने थोड़ा सा जीरा डाल दिया, फिर उसके ऊपर हमने करेले को डाल दिया। सॉरी, आपको हम जीरा दिखाना भूल गए, लेकिन हमने ऊपर से करेला डाल दिया। और गैस को हम फुल रखेंगे, गैस को मीडियम नहीं करना, ना ही स्लो करना है, तो गैस तेज ही रखनी है। अब मिक्स करके हम करेले को फ्राई कर लेंगे। तो थोड़ा सा तेल का मात्रा ज़्यादा ही रखना है, तेल की मात्रा कम नहीं रखनी है। तो तेल की मात्रा हमने ज़्यादा रखी, उसे अच्छी तरह से चॉप कर ली। यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज के आलू ले लिए, तो उसे हमने छील कर पतले साइज में कट कर लिए। जब तक करेला पक रहे तब तक हमने आलू को भी कट कर लिए। देखिए, हम पास में दिखाते हैं, इसे भी हम पानी भिगो देंगे, नहीं तो आलू में कालापन आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने करेले को फ्राई कर लिया लगातार चलाते हुए। गैस को हमने तेज ही रखा था। करेला हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, देखिए करेले अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब एक प्लेट लेते हैं और करेले को निकालेंगे। जो एक्स्ट्रा तेल उसे कढ़ाई में रहने देंगे, तो सावधानी से निकालिएगा, क्योंकि करेले भी गर्म है और तेल तो गर्म है ही। तो हमने सारे करेले को निकाल लिया, बस उसी कढ़ाई में जिस कढ़ाई में हमने करेले को फ्राई किया था, फिर उसे हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो उसमें थोड़ी सी जीरा डाल देते हैं। जीरा पहले हमने जो करेला फ्राई किया था उसमें हमने थोड़ी सी जीरा डाली थी, जो आपको हम दिखाना भूल गए। तो हमने थोड़ी सी जीरा फिर डाल दी है। जो कटे हुए आलू थे, उस आलू को हम इसी तेल में डाल देंगे, क्योंकि आलू को भी हमें फ्राई करनी है अच्छी तरह से। आलू को फ्राई करनी, अगर आपको आलू नहीं पसंद है करेले में तो आलू मत डालिएगा, लेकिन हमने 2 मीडियम साइज का आलू लेके उसे चॉप करके डाल दिया है। वो आप पे डिपेंड है, अगर आलू पसंद है तो डाल दीजिए, अगर नहीं पसंद है तो मत डालिए। इसे हम मिक्स कर दे रहे हैं और आलू को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। हम 1 मीडियम साइज का प्याज ले लिए हैं। अब प्याज को हम चॉप करके, प्याज को हम आलू के साथ ही भून देंगे। प्याज और आलू हमारे साथ में भून जाएंगे। आप इस तरीके से करेले की सब्जी बनाएंगे तो काफ़ी अच्छी बनती है, कड़वी बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन एक बार आप जरूर ट्राई करिएगा। हम दोनों को मिक्स कर दिए, दोनों को हम फ्राई कर रहे हैं। तो कुछ, चलो तुम कुछ मसाले डालते हैं। पहले से हम ढक दे रहे हैं, आलू को हम कुछ पका दे रहे हैं। जब तक आलू हमारे पक रहे हैं तब तक मसाला रेडी कर लेते हैं। तो आलू को हमारे फ्राई हो चुके हैं लगभग, देखिए काफ़ी हद तक। आलू को ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ी सी सॉफ्ट करनी है। तो यहाँ पर हमने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ले लिया, जो बिल्कुल तीखी नहीं होती है, थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ जाता है। तो हमने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया 1/2 चम्मच के लगभग। फिर 1/2 चम्मच में हमने यहाँ पर खटाई का पाउडर ले लिया है। थोड़ा सा खट्टापन आ जाए, थोड़ा सा कड़वापन भी कम हो जाता है। आपके पास खटाई पाउडर नहीं है तो आप नींबू का रस डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कलर के लिए हल्दी डाल दिया है और 1/2 चम्मच से भी कम, छोटे चम्मच से भी कम, हमने एक बेसन ले लिया। बेसन को हमने डाल दिया और सबको मिक्स करके हम अच्छी तरह से भून लेंगे। गैस तो यहाँ पर हमने गैस को मीडियम कर दिया, क्योंकि अभी तक हमने गैस को फुल रखा था। तो गैस को हमने मीडियम कर दिया और आलू को, मसालों को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। तो मसाले भी भून के आलू भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर हमने जो फ्राई किए हुए करेले थे, करेले को भी हमने कढ़ाई में डाल दिया है। इन सबको मिक्स करेंगे और करेले आलू हम साथ में फ्राई करेंगे थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लगभग हम इसे मिक्स कर दे रहे हैं। ऊपर से हमने नमक डाल दिया। नमक हमने पहले भी डाला था जब हमने पानी में भिगो दिया था। नमक वाले पानी में हमने करेले को भिगोया था, तब भी हमने नमक डाला था। तो नमक की मात्रा थोड़ा हिसाब से रखिएगा, कम लगे तो आप ऊपर से डाल दीजिएगा। हमने नमक डाल के इन सबको मिक्स कर लिया है और ढक देते हैं 1 मिनट के लिए, अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। करेला हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो करेले को हमने सॉफ्ट कर लिया, गैस को हमने तेज कर दिया है। ये देखिए करेले में अच्छा सा कलर आ गया, लेकिन आप जरूर ट्राई करिए, जरूर बनाइएगा। बिल्कुल कड़वी नहीं होती और काफ़ी फायदेमंद होती है करेले की सब्जी। तो हमने यहाँ पे करेले को प्लेट में निकाल लिया है। अगर आपको करेले की सब्जी की रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर दीजिएगा। लाइक वाले बटन को जरूर क्लिक करिएगा। फर्स्ट बार चैनल पर आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।